नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। चारों तरफ पानी, हरियाली और खूबसूरत दृश्यों से घिरे द्वीप पर कौन आराम से कुछ दिन बिताना नहीं चाहता है, है ना? आइलैंड के बारे में सोचने पर एक शांत और खूबसूरत जगह की तस्वीर मन में उभरती है। मगर मेहरबान कद्रदान, दुनिया में कई ऐसे अजीबो गरीब द्वीप भी हैं जो आपके इस विचार पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। चलिए आज आपको ऐसे ही कुछ 10 रहस्यमयी द्वीपों के बारे में बताते हैं जो कतई अजीब हैं। नंबर 10, आर्कटिक एक भूतिया आइलैंड। वर्ष 2021 में बर्फीले उत्तरी ग्रीनलैंड तट पर एक अभियान के दौरान एक द्वीप का पता चला जो पहले अज्ञात था। यह छोटा और बजरी वाला था और इसे दुनिया के सबसे उत्तरी दिशा की ओर अकेला पाया गया भूमि का टुकड़ा माना गया था। खोजकर्ताओं ने इसे सबसे उत्तरी द्वीप के लिए क्यूकरटाक अवन्नार लेक ग्रीनलैंडिक नाम दिया। लेकिन इस क्षेत्र में एक रहस्य चल रहा था। केप मॉरिस जेसुप के उत्तर में कई अन्य छोटे द्वीपों को दशकों में खोजा गया था और फिर वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, इसलिए इन्हें भूतिया द्वीप कहा गया। ऐसे बना भूतिया द्वीप। इस द्वीप के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का तर्क था कि ये चट्टानी किनारे थे जिन्हें समुद्री बर्फ ने ऊपर धकेल दिया था। लेकिन जब स्विस और डेनिश सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम ने इस गायब हो जाने वाले भूतिया द्वीप घटना की जांच के लिए उत्तर की यात्रा की तो उन्होंने पूरी तरह से कुछ और खोजा। उन्होंने सितंबर 2022 में अपने निष्कर्षों की घोषणा की। ये मायावी द्वीप वास्तव में समुद्र के तल पर स्थित बड़े हिमखंड हैं। वे संभवतः पास के एक ग्लेशियर से आए थे जहां भूस्खलन से बजरी से ढके अन्य नवनिर्मित हिमखंड तैरने के लिए तैयार थे। यहां एक बार 200 और विशाल द्वीप खोजे गए थे, लेकिन वो भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इन द्वीपों के रहस्यमयी तरीके से एकदम से गायब होने की वजह आज तक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 9, पलमायरा आइलैंड। कहानी एक शापित आइलैंड की जहां पर जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता। हमारी पृथ्वी पर ऐसी कई रहस्यमयी जगहें हैं जो अपने भीतर न जाने कितने राज दफन किए हुए हैं। इन स्थानों को लेकर हमेशा हमारे भीतर कौतूहल भरा रहता है। कई लोग तो रोमांच पाने के उद्देश्य से इन जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रहस्यमय आइलैंड के बारे में जिसके विषय में जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस आइलैंड का नाम पलमायरा है। कहा जाता है कि ये आइलैंड लंबे समय से शापित है। इस स्थान पर जो कोई भी जाता है वह लौटकर वापस नहीं आ पाता। इस जगह से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे जानने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पलमायरा आइलैंड पर कोई स्थायी निवासी नहीं रहता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पलमायरा आइलैंड अमेरिका के सामू हाईवे पर स्थित है। मान्यता है कि ये लंबे समय से शापित हो रखा है। इस डरावनी जगह पर आपको एक भी व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा और न ही यहां पर किन्हीं आदिवासियों का बसेरा है। सन 1798 से लेकर अब तक यहां पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। अक्सर इस आइलैंड के ऊपर से उड़ने वाले प्लेन और जहाज रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाते हैं। हालांकि कई लोगों ने इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की, उसके बाद भी उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। कई लोगों का ये तक कहना है कि इस शापित आइलैंड पर जो कोई भी जाता है वह कभी वापस नहीं आ पाता। ऐसे कई रिकॉर्ड्स सामने आए हैं जिनमें इस बात का उल्लेख है कि इस टापू पर जाने के बाद कई व्यक्ति वापस नहीं आ सके। हालांकि कुछ ऐसे भी हिम्मतवर लोग थे जो इस टापू पर जाने के बाद वापस लौटकर आ गए। उनके मुताबिक इस रहस्यमयी जगह पर उन्हें काफी अजीबोगरीब महसूस हुआ था। वे बताते हैं कि यहां पर उनका कई रहस्यमयी ताकतों से सामना हुआ। उन्हें ये महसूस हुआ कि जैसे यहां पर कोई भूत प्रेत हो। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते यहां पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। क्या आप यहां जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, फैंटम आइलैंड। भूत प्रेतों की तरह गायब हो गया 22 किलोमीटर लंबा आइलैंड अब ढूंढने से भी नहीं मिलता। ये बड़ी अजीब बात है कि जिस जगह को 2 सदी तक दुनिया इसी धरती पर मानती थी वो वास्तव में कभी थी ही नहीं।
जिस आइलैंड के नाम को साल 1774 में स्वीकार लिया गया था, वो दरअसल कभी मौजूद ही नहीं था। ये अपने आप में अनोखी घटना है, लेकिन प्रशांत महासागर के बीच खोजे गए सैंडी आइलैंड का सच आज की तारीख में यही है। ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक ने 18वीं सदी में इस आइलैंड को ढूंढने का दावा किया था और इसे सैंडी आइलैंड का नाम दिया गया था। हालांकि इसकी रहस्यमयी स्थिति को देखते हुए ही इसे फैंटम आइलैंड भी कहा जाने लगा था। एक वक्त में गूगल मैप्स पर भी ये आइलैंड दिखाई देता था, लेकिन बाद में जब रिसर्चर्स ने इसका अस्तित्व ही नकार दिया तो गूगल पर भी ये दिखना बंद हो गया। ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर मौजूद सैंडी आइलैंड के बारे में कैप्टन जेम्स कुक का दावा था कि 22 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। साल 1876 में वेलोसिटी नाम के जहाज ने सैंडी आइलैंड के मौजूद होने का दावा किया गया था। यहां तक कि 19वीं सदी में बने ब्रिटेन और जर्मनी के नक्शों में भी ये आइलैंड स्थित था। बाद में जब इसे लेकर संदेह व्यक्त किया गया तो फ्रेंच हाइड्रोग्राफिक सर्विस ने आइलैंड को अपने नॉटिकल चार्ट से साल 1969 में बाहर कर दिया। फिर साल 2012 में ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिकों ने भी इसका अस्तित्व नकार दिया। आइलैंड की जगह कुछ भी नहीं था। ऑस्ट्रेलियन शोधकर्ताओं ने इसका पता लगाने के लिए सैंडी आइलैंड का रुख किया तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने सैंडी आइलैंड एन ओबिचुअरी नाम के एक पेपर में लिखा कि ये प्रेत द्वीप कभी मौजूद ही नहीं था। यहां पर समुद्र की गहराई नापने की कोशिश करने पर पता चला कि यहां गहराई 4,300 फीट से ज्यादा नहीं थी। ऐसे में उन दावों का क्या जिन्होंने ये आइलैंड देखा था। इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की चीफ जियोलॉजिस्ट मारिया सेटन का कहना है कि उनसे कोई गलती हुई होगी या फिर उन्होंने कोई पत्थर या प्यूमिक राफ्ट देखा होगा, लेकिन किसी ने इसके बारे में कुछ साफ साफ नहीं बताया कि आखिर असल में बात क्या थी। इसकी वजह से यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 7, इटली का रहस्यमय आइलैंड पोवेग्लिया आइलैंड। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड, जहां 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। जानिए वजह। इस द्वीप पर अक्सर रहस्यमय घटनाएं घटती हैं, जिसकी वजह से दुनिया में इसकी चर्चा होती है। इटली के वेनिस शहर और लिडो के बीच वेनेशियन खाड़ी में यह रहस्यमय द्वीप मौजूद है। बताया जाता है कि इस द्वीप के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन किसी हाथ के कामयाबी नहीं लगी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर जो भी गया वह जिंदा लौट कर नहीं आया। इसलिए इस रहस्यमय द्वीप पर इटली की सरकार ने किसी के भी जाने पर रोक लगा दी है। बताया जाता है कि इटली में सैकड़ों साल पहले प्लेग महामारी फैली थी, जिसने खौफनाक रूप ले लिया था। उस समय इस महामारी का कोई इलाज नहीं था, जिसकी वजह से यहां की सरकार चिंतित थी। सरकार को इस बीमारी के फैलने का डर सता रहा था। इस डर से सरकार ने लगभग 1,60,000 लोगों को इस द्वीप पर जिंदा जलवा दिया था। इसके बाद यहां पर काला बुखार नाम की बीमारी भी फैलने लगी। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि इन लोगों के शव भी इसी द्वीप पर दफना दिए जाएं। तब से ही स्थानीय लोग इस द्वीप को शापित मानते हैं। कहा जाता है कि जलाए गए लोगों की आत्माएं आज भी यहां पर भटकती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां पर आत्माओं को देखा है। इस द्वीप से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनने का दावा किया जाता है। इस द्वीप पर होने वाली रहस्यमय घटनाओं के चलते इटली की सरकार ने यहां पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी है। यह आइलैंड दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में शामिल है। नंबर 6, रहस्यमय जनजाति का आइलैंड सेंटिनल आइलैंड। भारत में मौजूद है 30,000 साल पुराना कबीला। जानिए इस रहस्यमय जनजाति के बारे में। भारत में रहस्यमय नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्थित है, जहां पर हजारों साल पुराना कबीला मौजूद है। अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड स्थित है। बताया जाता है कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आया। वहां की सिर्फ एक या दो तस्वीर ही देखने को मिलती है, क्योंकि वहां की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। वहां पर कोई सेना या पुलिस नहीं है, नहीं लागू होता है भारतीय कानून। बताया जाता है कि इस आइलैंड पर अपना नियम और कानून है। भारत में होने के बावजूद भी यहां पर कोई भारत का कानून नहीं है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग न ही बाहर आते हैं
और न ही वहां पर किसी बाहर के व्यक्ति को जाने की अनुमति है। पाषाण काल से पुरानी है सभ्यता। वैज्ञानिकों की रिसर्च और कार्बन डेटिंग के अनुसार इन द्वीपों पर 2000 साल से भी ज्यादा समय से सेंटिनली जनजाति के लोग रह रहे हैं। जीनोम के अध्ययन में बताया गया है कि यह भी हो सकता है कि ये जनजाति 30,000 साल पहले भी अंडमान द्वीप पर निवास करती हो। यहाँ पर रहने वाली जनजाति सेंटिनलीज भाषा बोलती है, बल्कि यह लोग अभी भी पाषाण काल के सामानों का इस्तेमाल करते हैं। यह सिर्फ हथियारों में ही धातु का इस्तेमाल करते हैं। रहस्यमय आइलैंड। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप का यह छोटा सा इलाका है। इस रहस्यमय द्वीप के चारों तरफ समुद्र और सिर्फ जंगल है। दक्षिण अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत यह पूरा क्षेत्र आता है। निग्रिटो, अश्वेत तथा छोटे कद वाले समुदाय के लोग यहां पर रहते हैं। बाहरी लोगों को यहां पर रहने वाले आदिवासी अपना दुश्मन मानते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि शारीरिक बनावट और भाषा के आधार पर जारवा समुदाय से इन लोगों को जुड़ाव है। साल 2004 में आई सुनामी के दौरान सेंटिनली जनजाति बिना किसी मदद के सुरक्षित रही, बल्कि जब भारत सरकार ने उनकी मदद करने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों को भेजा तो इन्होंने मदद लेने की बजाय हेलीकॉप्टरों पर ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। इसलिए भारत सरकार की तरफ से इस पूरे इलाके को संरक्षित घोषित किया गया है। यह इलाका आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इस क्षेत्र में प्राधिकरण के अधिकारियों अलावा कोई भी नहीं जा सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, जापान का ओकिनोशिमा आइलैंड। दुनिया का वो रहस्यमय आइलैंड जहां महिलाओं के जाने पर है सख्त पाबंदी। दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो अपने किसी खास वजह से काफी मशहूर हैं। इन जगहों के बारे में सुनने के बाद एक बार घूमने का मन जरूर करता है। जापान का ओकिनोशिमा आइलैंड भी इन जगहों में से एक है, लेकिन इस आइलैंड से जुड़े अजीबोगरीब नियमों के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ओकिनोशिमा आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं के जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। वहीं पुरुषों के लिए भी इस आइलैंड पर जाने के लिए कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। ओकिनोशिमा आइलैंड को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। 700 वर्ग मीटर में फैले इस टापू के बारे में कहा जाता है कि 4वीं से 9वीं शताब्दी तक यह कोरियाई प्रायद्वीप और चीन के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करता था। धार्मिक रूप से इस आइलैंड को काफी पवित्र माना जाता है। पुराने समय से चली आ रही धार्मिक पाबंदियां आज भी इस आइलैंड पर मान्य हैं, जिनमें महिलाओं के आने पर प्रतिबंध भी शामिल है। कहते हैं कि इस आइलैंड पर जाने से पहले पुरुषों को निर्वस्त्र होकर नहाना जरूरी होता है। इस आइलैंड को लेकर नियम इतने कड़े हैं कि पूरे साल में सिर्फ 200 पुरुष ही इस टापू पर जा सकते हैं। जो लोग इस आइलैंड पर जाते हैं उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि वो वहां से कोई भी चीज अपने साथ न लाएं। यहां तक कि उन्हें यह भी हिदायत दी जाती है कि अपनी यात्रा के बारे में भी किसी से न बताएं। असाही शिम्बुन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वहां से लौटने वाले लोग अपने साथ घास तक भी नहीं ला सकते हैं। दरअसल इस आइलैंड पर मुनाकाता ताइशा ओकित्सु मंदिर मौजूद है, जहां समुद्र की देवी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में यहां जहाजों की सुरक्षा के लिए पूजा की जाती थी। नंबर 4, नो रिटर्न आइलैंड। पूर्वी अफ्रीका के केन्या के रुडोल्फ लेक के पास बना आइलैंड भी काफी रहस्यमय है। इसे नो रिटर्न आइलैंड कहते हैं। इस आइलैंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कई वर्षों पहले इस आइलैंड पर लोग रहा करते थे, लेकिन एक दिन वो लोग सब अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उन लोगों का पता आज तक नहीं चल पाया है। इसलिए इस आइलैंड पर जाने में लोगों को डर लगता है। आइए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। इस आइलैंड का यह नाम कई खौफनाक वजहों से पड़ा। कहा जाता है कि यहां जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता। इस आइलैंड के चारों तरफ सिर्फ आदिवासियों का कबीला रहता है। ये लोग कभी भी इस आइलैंड पर नहीं जाते हैं। स्थानीय आदिवासियों के अनुसार इस खतरनाक आइलैंड पर भी उनकी तरह पहले आदिवासी लोग ही रहते थे। वे लोग आइलैंड से बाहर आकर फिशिंग करते
और दूसरे कबीलों के लोगों से भी मेलजोल करते थे। अचानक वहां के लोग एक दिन गायब हो गए। इसके बाद जो भी उनकी खोज में उस आइलैंड पर गया वापस नहीं आया। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आइलैंड घने जंगलों वाला है, लेकिन इसके बाद भी यहां कोई जानवर या पक्षी नहीं रहता। आदिवासी लोगों का दावा है कि अमावस्या की रात इस आइलैंड से ऐसी भयानक आवाजें आती हैं कि वे लोग सो भी नहीं पाते। आदिवासियों का मानना है कि उस आइलैंड पर अब दैत्यों का कोई समूह रहता है जो रात में नाचता गाता है। नंबर 3, मेक्सिको डॉल आइलैंड। कहानी दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड आइलैंड की, जहां पर मौजूद हैं कई डरावनी गुड़ियां। ये रहस्यमयी जगह मेक्सिको से दक्षिण जोचिमिको कनाल के बीच ला इस्ला डेला म्यूनेक्स पर स्थित है। यहां आपको कई डरावनी गुड़ियां पेड़ों पर लटकी हुई दिखेंगी। अक्सर यहां पर कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, जिनका जिक्र इस जगह पर रहने वाले स्थानीय लोग करते हैं। हालांकि ये आइलैंड अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इस डरावनी जगह को देखने के लिए दूर दूर से कई पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आते हैं। यहां के स्थानीय लोगों की माने तो ये गुड़ियां आपस में एक दूसरे के साथ कानाफूसी करती हैं, रहस्यमयी ढंग से अपनी आंखों को हिलाती है, जिन्हें देखने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से डर सकता है। गौरतलब बात है कि ये आइलैंड पहले कभी ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले इस आइलैंड की गिनती भी नॉर्मल आइलैंड में की जाती थी। अचानक 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस जगह को हॉन्टेड आइलैंड में बदल दिया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साल 2001 में डॉन जूलियन इस जगह का केयर टेकर हुआ करता था। अचानक साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत हो गई, तब से इस स्थान की गिनती डरावनी जगहों में की जाती है। स्थानीय लोगों की माने तो आइलैंड पर टंगी इन गुड़ियों में एक बच्ची की आत्मा है। उनके मुताबिक कुछ वर्षों पहले एक लड़की की तैरती हुई लाश डॉन जूलियन को मिली थी। हालांकि उस दौरान लड़की की मृत्यु नहीं हुई थी। डॉन जूलियन ने लड़की को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह उसको बचा नहीं सका। बच्ची की मौत के कुछ समय बाद एक गुड़िया की लाश बहती हुई आई। डॉन जूलियन ने इस गुड़िया को बच्ची की गुड़िया समझकर उसे वहीं पर बांध कर लटका दिया जहां पर उस बच्ची की मौत हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार उस घटना के बाद डॉन जूलियन को कई गुड़ियां और मिलती रहीं। बच्ची की आत्मा की शांति के लिए उसने इन सभी गुड़ियों को पेड़ों पर लटका दिया। वहीं जब साल 2001 में डॉन जूलियन की मौत हुई, तब तक उसने कई डॉल्स को पेड़ों पर टांग दिया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन गुड़ियों के अंदर बच्ची की आत्मा है। अक्सर ये गुड़ियां एक दूसरे से बात करती हैं और अपनी आंखें हिलाती हैं। यही नहीं, कई मर्तबा तो वे एक दूसरे से सिर हिलाकर भी कुछ कहती हैं। इसी वजह से इस आइलैंड की गिनती दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में की जाती है। हॉन्टेड होने के कारण आज ये जगह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। यहां पर जो कोई भी आता है उसे अकेले घूमने की इजाजत नहीं दी जाती है। इस आइलैंड पर घूमने के लिए टूर गाइड का साथ में होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, सोकोत्रा द्वीप। धरती पर यहां है एलियन दुनिया। जानिए इसके बारे में हैरान करने वाली बातें। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर में एक द्वीप स्थित है। धरती पर मौजूद यह एक एलियन दुनिया की तरह है। इस द्वीप का नाम है सोकोत्रा द्वीप, जिसे देखने के बाद लगता है कि हम दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। अफ्रीका से काफी दूर स्थित है यह अनोखा आइलैंड। इसको लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन इस समय यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस अनोखे आइलैंड पर यमन का शासन है। अरब सागर और गार्डाफुई चैनल के बीच में स्थित इस द्वीप पर मौजूद पेड़ पौधों को देखकर लगता है कि यह कोई काल्पनिक दुनिया है। यह द्वीप गैलगोपास द्वीप की तरह दिखता है और इस पर पेड़ पौधों की करीब 800 दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं। इस द्वीप पर कई प्रजातियों के साथ ही दुनिया के सभी रंग, जैसे रेगिस्तान, हरी भरी वादियां, बंजर जमीन, धरती, समुद्र की लहरें, सभी कुछ दिखता है। सोकोत्रा द्वीप 3,796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी लंबाई करीब 132 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। यहां पर स्थित सबसे बड़ा पहाड़ माशानिग है, जो 4,931 फीट ऊंचा है। इस द्वीप की राजधानी हदीबू है। सोकोत्रा आइलैंड समेत इसके पास स्थित चारों द्वीप पर करीब 60,000 लोग रहते हैं। यहां पर हर किलोमीटर में सिर्फ 11 लोग रहते हैं।
यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी बेहद कम है। इस द्वीप की अनोखी बनावट की वजह से साल 2008 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। यहाँ पर अनोखे वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर अनोखे पेड़ पौधे हैं, जिसकी वजह से यह एलियन की दुनिया की तरह लगता है। इस स्थान पर अधिकतर सोकोत्री लोगों की आबादी रहती है, हालांकि दक्षिण अरबी लोगों की आबादी भी रहती है। प्राचीन समय में यह गोंडवाना महाद्वीप में शामिल था, अफ्रीका से धीरे धीरे दूर हो गया और फिर रुक गया। यहाँ पर दो छोटे छोटे पत्थरीले द्वीप भी हैं, जहाँ पर इंसान नहीं रहते हैं बल्कि पक्षियों का बसेरा है। इस द्वीप पर तटीय मैदान, दूसरा चूना पत्थर के पठार और तीसरा हजीर पहाड़ पाए जाते हैं। इस द्वीप पर अधिकतर तापमान गर्म रहता है और यहाँ पर जलवायु रेगिस्तानी है। सोकोत्रा आइलैंड पर सामान्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ बारिश कम होती है। यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर तक बारिश का महीना रहता है और यहाँ उत्तर पूर्व से मॉनसून पहुँचता है। यहाँ पर साल में अधिकतम 31.50 इंच बारिश ही होती है। नंबर 1, स्नेक आइलैंड। कहानी सांपों से भरे एक ऐसे आइलैंड की जहाँ जाने के बाद जिंदा लौटना है काफी मुश्किल। दरअसल यह खतरनाक जगह ब्राजील में है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का वास्तविक नाम इलाहा दा क्यूइमादा है। वैसे दूर से तो देखने में यह आइलैंड काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांप इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड में वाइपर प्रजाति के भी सांप मिलते हैं। इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं कि इन सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान का मांस तक गला देता है। इस आइलैंड पर अलग अलग प्रजाति के 4000 से भी ज्यादा सांप हैं। ब्राजीलियन नेवी ने आम इंसानों का इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर रखा है। स्नेक आइलैंड पर केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की अनुमति है। हालांकि वो भी केवल तटीय इलाके में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के ज्यादा अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। हालांकि चोरी छुपे कुछ शिकारी भी इस आइलैंड पर जाकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। यहां मिलने वाले गोल्डन लांस हेड वाइपर की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 18 लाख रुपए है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।